हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल। इसका सेकंड एडिशन है क्योंकि हम 75th तक क्वेश्चंस कर चुके थे, तो 75th के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाँ, ये यूट्यूब पे ही क्लास होगी क्योंकि ये 75 तक क्योंकि हम कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस, तो इसके आगे भी हम यूट्यूब पे ही करेंगे। बाकी एक इवनिंग में आज हमने क्लास रखा है, इवनिंग में जो स्लैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है आज। अरे यार, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, आई होप सबको आवाज आ रही होगी। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 तक हमारा हो चुका था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शेयर मैंने कर दिया, आई होप सब जगह पर। कर दिया है ना? हाँ ठीक है, एक मिनट। Let me share it once again. Bull Prime के batches में हो चुका और booster में हो चुका। I don't think कि और कहीं पर share करना है। So अगर आवाज में या फिर कोई भी problem होगा तो please आप लोग comment section में answer दे दीजिएगा, ठीक है? Good morning everyone. चलिए, question number हमें चलना है कहाँ से अपना? 76 से, right? हमारा 76 से हम लोग start करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 76 है। चलिए, ISRO has signed, ISRO ने, ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो जो मैं पूछता जाऊं उसका आंसर देते जाना है, बाकी करते रहेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 76 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, 17 पीपल आर हियर। ठीक है, दो तीन बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने दीजिए उनको, ठीक है? चलिए, ओके, आई थिंक वी हैव इनफ पीपल नाउ। अभी अपने पास आ चुके हैं सब बच्चे, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 76, ISRO has signed MOU with which institute for cooperation in space situation awareness astrophysics? आपका space situation awareness से related ISRO, यानी कि इंडिया का आपका ISRO, Indian Space Research Organization, इसने टाइप किया है किसके साथ? आपके ARIS के साथ। अब ये ARIS है क्या चीज? ARIS है आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज। आपको याद रखना है ARIS का फुल फॉर्म क्या, आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज। इन दोनों ने आपस में टाई अप किया है। इनका जो मेजर काम रहेगा ये क्या रहेगा, आपका स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस से रिलेटेड और उसका मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है ARIS कोई बाहर की एजेंसी नहीं है, किसके नाम पर है? एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम क्या, आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम पर आपकी क्या है, आपका ARIS, यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, ठीक है? ISRO के बारे में हम सबको पता है कि इसके सारे मिशन हम अपने बूस्टर, एक मैंने आपको फर्स्ट सेट भेज रखा है जीके का, जिसके अंदर हमने पूरा डिस्कस कर रखा है कि शुक्रयान कब आने वाला है, व्योमित्रा के बारे में सारी चीजें हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट थिंक कि रिपीट करने की आवश्यकता है,
है ना, आईएसआरओ का हम पूरा एक लगभग लगभग पूरा सब कुछ हम आईएसआरओ के बारे में पढ़ चुके हैं कि आईएसआरओ के जितने आने वाले मिशंस हैं, चाहे वो आपका आदित्य L1 हो, चाहे वो शुक्रयान हो, चाहे फिर आपका मंगलयान का सेकंड पार्ट हो, या फिर अपना चंद्रयान का थर्ड पार्ट हो, वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम। उनके ईयर भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, नहीं पढ़ा है तो एक बार वापस पढ़ लेना, पीडीएफ सबके पास है वो 300 पेजेस वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा आपका, एरिस। और सबको पता है कि 1969 में क्या बना था आपका, आईएसआरओ। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज UNADAP's गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो लड़की है, ये जो स्टूडेंट है, इसके पिताजी एक बहुत ही गरीब आदमी थे, और इस लड़की ने, इनका नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में नाम लिया, ये बहुत ही गरीब लड़की है जिसके पिताजी ने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे थे, और इन्होंने अपने पिताजी को प्रेरित किया कि ठीक है आप ये पैसा क्या कर दीजिए, दान कर दीजिए, आपके इस टाइम पे जो पेंडेमिक है उसके अंदर आप इसको दान कर दीजिए। लड़की बिलोंग करती है कहाँ से आपकी, ये बिलोंग करती है आपके साउथ इंडिया में, एक स्टेट है हमारी जिसका नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। लड़की का नाम क्या आपका, नेत्रा, और आपका UNADAP, इसने इसको क्या किया है आपका, इसको गुडविल एम्बेसडर बना दिया है, किसका आपका, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो याद रखिएगा UNDP अलग है, UNDP क्या आपका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और UNADAP क्या है बेटा आपका, ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, ये पूरा A to Z आपका जितना भी फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अपॉइंटमेंट है, उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका था, उसके सेकंड पार्ट पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। उसके 75 क्वेश्चंस हो चुके थे और उसके 40 क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो वो 40 क्वेश्चंस आज हमें सुबह सुबह हम निपटा रहे हैं, उसको खत्म करें। विच कंट्री हैज साइंड MOU टू डेवलप, अच्छा ये समझ आ गया सबको, नेत्रा बिलोंग्स टू तमिलनाडु, नेत्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो महिलाओं से रिलेटेड सवाल आते हैं बहुत पूछे जाते हैं, हम बहुत सारी महिलाओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पीस कीपर अवार्ड एक आपका हमने डिस्कस किया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पीस कीपर अवार्ड आपके सुडान में काम करने वाली एक भारतीय महिला को वो अवार्ड आपका मिला, और भावना कस्तूरी हो गई, और एक हमारी लेडी और है जिनको, जो सेकंड लेडी बनी जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर आपके ऑल मार्च सॉरी ऑल मैन कॉन्टिजेंट को लीड किया, आर्मी डे पर पहली बार उन्होंने ऐसा किया था, तो ओके मेहरा नेत्रा बिल्कुल ठीक है। चलिए, विच कंट्री हैज साइन MOU विद इंडिया टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन एंड प्रोमोट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इन दी पावर सेक्टर। पावर सेक्टर जो है, इंडिया की पावर मिनिस्ट्री जो है, ये 1992 में बनी थी, बिल्कुल सब लोगों का आंसर भी सही आ रहा है पिछले सवाल का। आप लोगों को जान लेना है कि जो पावर सेक्टर इंडिया का 1992-1993 के अराउंड ये सेक्टर डेवलप किया गया था। एक कंट्री है जो पावर सेक्टर में आपका इनोवेशन भी अच्छा कर रही है, और पावर में जिसका ट्रांजिशन जो है ना वो बहुत ही शानदार रहा। ट्रांजिशन क्या होता है आपका, नॉन रिन्यूएबल से लेकर कहां पर आप आ जाए, रिन्यूएबल पे, यानी कि आप कन्वेंशनल एनर्जी से कहां पर आ रहे हैं आपका, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो वो कौन सी कंट्री आपकी, डेनमार्क, और डेनमार्क, इंडिया चाहते हैं कि डेनमार्क से सीखकर हम कुछ अच्छा इसके अंदर कर सकें, ठीक है। जैसे कोई टॉपर होता है, टॉपर के साथ हम टाई अप कर लेते हैं किसी भी प्रकार का, कि ठीक है आप हमारी मदद करिए, हम हमारी मदद करेंगे। तो डेनमार्क जो है आपका टॉपर है पावर स्ट्रेटेजी के अंदर, और इंडिया ने इसके साथ टाई अप किया है, ठीक है। ओके, जर्मनी जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टर था कहाँ का आपका, चाइना का। चाइना में सबसे अधिक पैसा जर्मनी डालता था, बट आजकल उसने भी बंद कर दिया आपका। ब्यूनस एरिस में एक गेम हुए थे 2018 के अंदर, वो सबको याद रखने हैं, कौन से गेम थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। फटाफट दिमाग पे जोर डाला करो कि क्या हुआ था अर्जेंटीना 2018 ब्यूनस एरिस के अंदर, क्या हुआ था। जर्मी लालरी नुंगा जो एक व्यक्ति है उससे रिलेटेड है, बार बार बता रहा हूं मैं, तो प्लीज दिमाग पे जोर डालना, आ जाएगा आंसर। नेपाल जो है इसके बारे में पता है कि 3 जगह है जिनको ये क्लेम कर रहा है। टोटल 335 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपका नेपाल हमसे क्लेम करते हैं कि प्लीज आप हमें ये एरिया दे दीजिए। इनका कहना ऐसा है भाई नेपाल का, कि जहां से पहली धारा नदी की निकलेगी वो जगह हमारी हो जाएगी, और 335 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया ने हमारा हथियार रखा है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच ITI हैज साइंड MOU विद नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, NFL का आप लोगों ने नाम सुना होगा। NFL के साथ टाई अप किया है टू ट्रेन यूथ्स इन 12 ट्रेड्स अंडर ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। आपका जो इंडस्ट्री है प्लस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हमने हमेशा देखा कि सॉरी
हमने हमेशा एक चीज नोटिस किया कि वी आर ऑलवेज सो क्रिटिकल अबाउट द एजुकेशन एंड द इंडस्ट्री फेस. हम बोलते हैं कि यार जो हमें पढ़ाया जाता है ना वो इंडस्ट्री में तो होती नहीं चीजें. कभी हमें एक्सेल शीट नहीं बनाया सिखाना, या फिर पीपीटीज का काम नहीं दिया. इंजीनियरिंग में तो शायद थोड़ा बहुत हमें सिखा भी दिया था, बाकी जगह पर बहुत ही कन्वेंशनल टीचिंग होती है. तो यहाँ पर इंडस्ट्री ने टाई अप किया है एक आईटीआई के साथ, आपका आईटीआई के साथ टाई अप कर लिया आपका, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड कराई जाएगी. और ये कौन सी जगह? आपकी आईटीआई नंगल. ठीक है, आईटीआई नंगल. ओके, नंगल डैम भी एक फेमस है काफी, भाखड़ा नंगल डैम का आपने नाम सुना होगा. चलिए, फॉर्मर ओलंपिक मेडलिस्ट एक आपके जिनका नाम है ऑलेक्जेंडर Who announced retirement recently associated with which of the following sport? ये आपका कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन सी गेम से भाई साहब रिलेटेड है? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए फटाफट, कौन सी गेम से रिलेटेड है आपके भाई साहब? जल्दी से आंसर आना चाहिए सब लोगों का. मैं ऑलरेडी ये पीडीएफ भेज चुका हूँ ग्रुप में सब लोगों को. याद नहीं है तो जल्दी से फटाफट सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए बेटा, किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि इस चीज से रिलेटेड भी हम एक न्यूज कर चुके हैं. आई नीड अ सुपर फास्ट आंसर इन दिस. जल्दी से, जल्दी से. ओके ओके, ठीक है. इसका आंसर क्या होगा आपका? बॉक्सिंग. अब बॉक्सिंग के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आपकी इंडिया में होने वाली थी मेंस, उसके लिए भारत ने जो $4 मिलियन देने थे, भारत वो नहीं प्रोवाइड कर सका. अब वो आपकी सर्बिया में होगी. ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, सर्बिया में आपका जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है मेन का वो होगा. भारत को सिर्फ $500 ही वहां पर प्रोवाइड कराने आपके इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन को. ठीक है, क्लियर इतना सबको? गुड. ओके, नो नो नो, नॉट शूटिंग बेटा, ये किसमें आएंगे आपके? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया. शूटिंग नहीं, पंकज का ही आंसर सही है बस. एक बिल्कुल, पंकज ने क्वेश्चन पूछा और पंकज का ही आंसर बिल्कुल ठीक रहा, बढ़िया पंकज चाहर. चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 81, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूएन जनरल असेंबली. यूएन जनरल असेंबली में कौन भाई साहब? भाई ये टर्की से बिलोंग करते हैं. ये 75th यूएन जनरल असेंबली जो होगी आपकी, उसको ये गाइड करेंगे. मेरे ख्याल से सितंबर में होगी अभी आपका, जून में इनको सिलेक्ट किया गया है. ये टर्की से बिलोंग करते हैं. इनका नाम क्या आपका? वोल्कन बोज़किर. इनका नाम क्या आपका? वोल्कन बोज़किर. ये आदमी कहां से बिलोंग करते हैं आपके? टर्की से. टर्की से रिलेटेड न्यूज एक और है, जो सोफिया म्यूजियम, सोफिया जो पहले आपकी चर्च थी उसको अब किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया? आपका मॉस्क के अंदर. वो बूस्टर बैच में एक बार करवाना है, वो उसी के अंदर हम लोग करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है. एक मिनट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82, राइट? क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाते हैं. क्यूबाटेक बोर्नोव, एक भाई साहब है जिनका नाम क्या आपका? क्यूबाटेक बोर्नोव. इनके बारे में डिस्कस करते हैं. क्यूबाटेक बोर्नोव जो है अभी अभी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, कौन सी कंट्री के? क्यूबाटेक बोर्नोव, कोई बताएगा कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बनाए हैं? 5 सेकंड है, जल्दी से जल्दी फटाफट. क्यूबाटेक बोर्नोव, क्यूबाटेक बोर्नोव के बारे में कोई भी आप में से बताना चाहे. क्यूबाटेक बोर्नोव, इस कंट्री का हमने कैपिटल भी कल किया था. इस कंट्री का नाम क्या आपका? याद कर लो फटाफट. इसका नाम क्या आपका? किर्गिस्तान. किर्गिस्तान की कैपिटल हमने डिस्कस की थी, क्या है आपकी? बिश्केक. इसकी कैपिटल क्या है आपकी? बिश्केक. ठीक है, और तजिकिस्तान जो है, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्केमेनिस्तान. तुर्केमेनिस्तान के बारे में हमने खैर डिस्कस किया था कि तुर्केमेनिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. एक रीजनल आउटफिट है जिसका मेंबर नहीं है आपका तुर्केमेनिस्तान. ठीक है, और ना ही अफगानिस्तान उसका मेंबर है. द फोर्थ एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स. एशियन यूथ पैरा गेम्स का चौथा एडिशन जो कि दिसंबर 2021 में होने वाला है. याद रखना कि पैरा एथलेटिक गेम्स जो हैं आपके, यानी कि जहां पर थोड़ा आप ऐसा मानिए कि इसको बोलते हैं दिव्यांग जनों का जो ओलंपिक होगा, एक तरीके का आपका एशिया के जितने भी दिव्यांग जन हैं, अगर वो यूथ हैं तो उनके लिए दिसंबर 2021 में फाइनलाइज कर दिया गया है. लेटेस्ट न्यूज है आपकी, इंपॉर्टेंट रहेगी. ये कहां पर होने वाला है आपका? बहरीन में. जो न्यूज जितनी बार आती है ना, समझ जाया करो कि वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राजस्थान का जो क्राइसिस चल रहा है कि राजस्थान के एमएलए बिक रहे नहीं बिक रहे, वो भी क्या रहेगा आपके लिए? सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई होप इतना सब बच्चों को समझ में आ रहा है.
ठीक है, एशियन गेम्स हमें पता है कि आपके जो एशियन गेम्स 2022 में होने वाले हैं वो कहां पर होंगे, 2022 में एशियन गेम्स कहां पर होंगे बच्चों, हैंगझाउ सिटी के अंदर, ठीक है, और 2026 के कहां पर होंगे, नागोया नाम की एक जगह कहां पर आपका, जापान में। सो 2022 जो है वो बेसिकली कहां पर होने वाला है आपका, चाइना के अंदर, हैंगझाउ नाम की सिटी। हैंगझाउ सिटी जो है बहुत ही शानदार है और नए पैटर्न पे बना रखी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो पैरा गेम्स होंगे यहाँ पर, उसके लिए तो आपका एक मास्कॉट भी लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है आपका फीफी बर्ड। और 2026 में कहां पर होंगे आपके, नागोया जापान, ये भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आपका, जो पीडीएफ आप लोगों सबके पास होगी, मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप में भेज रखी है सबको, और नहीं मिली है तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। Who has been appointed as the chairman of National Institute of Public Finance and Policy? अच्छा, for 4 years with effect from June 22. आपके जून 22 को एक बहुत ही important आपका क्या किया गया? एक super important आप मान सकते हो कि appointment हुई है आपकी। इस व्यक्ति का नाम क्या आपका? उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल माने तो उर्जित रविंद्र पटेल, भारत में आरबीआई के गवर्नर भी रहे, और जब आपका सेक्शन 7 इन्वोक करने की बात हुई, सेक्शन 7 आप याद रखिएगा, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1935 को इन्वोक करने की बात थी। इसके अंतर्गत आरबीआई अपना पैसा जो है, अपने फायदे का ज्यादा पैसा किसको दे सकते हैं, आपके सरकार को, जब इमरजेंसी की जरूरत पड़े। और उससे पहले ही 3 साल का इनका टेन्योर था, इन्होंने उससे पहले ही क्या दे दिया, अपना इस्तीफा, कुछ दिन पहले इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इनसे पहले जो थे भाई साहब, उनका नाम क्या था, रघुराम गोविंद राजन, ये उनके समय पर डेप्यूटी गवर्नर थे, उर्जित रविंद्र पटेल, और ये वो आदमी है जिसने भारत में ये चीज बताई कि महंगाई की दर जो है आपकी कितनी प्रोडक्टिव होती है। इन्होंने अपनी जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट में बताया था कि भारत में महंगाई जो है ना 4% होनी चाहिए, ये आइडियल है, ठीक है, और प्लस माइनस 2% पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कोई पूछे कि भारत में महंगाई की दर कितनी लिमिटेड है या फिर कितने प्रतिशत जो है वो आइडियल माना जाता है, 4% आइडियल है, 2% to 6% इज द लिमिट। तो ये अपने को याद रखना है, उर्जित रविंद्र पटेल, ठीक है। इनके समय पर जब ये डिप्टी गवर्नर थे उनको हम याद करते थे मुद्रा खा गए गांधी पटेल, एसएस मुद्रा थे, एचआर खान थे, उर्जित पटेल थे, और एक थे आर गांधी, राहुल गांधी नाम था उनका, नहीं ये वाले राहुल गांधी नहीं थे, ठीक है। चलिए बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी फॉर 4 years, अब ये पब्लिक जो आपकी पॉलिसीज हैं उसके ऊपर काम करेंगे, तो इनको जून 22 से ये कार्यभार इनको दे दिया गया है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, सब लोग आंसर सही आ रहा है। चलिए, आई होप यू गाइज आर enjoying. हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए कि एट प्रेजेंट मैरिलेबोन के जो चेयरमैन है इस टाइम पर, सॉरी आपके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, आपके कुमार संगकारा। कुमार संगकारा के बारे में हमने बताया था कि भाई कुमार संगकारा इज इन द न्यूज है। कुमार संगकारा बेचारे आपके 2007 में फाइनल खेले थे, 2007 में जब वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ था, जब भारत पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हो गए थे, तब 2007 में इन्होंने फाइनल मैच खेला था किसके अगेंस्ट, आपके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और 2011 में जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, मतलब एशिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, उसमें भी फाइनल खेला, और 2011 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें उस समय के तत्कालीन जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे श्रीलंका के, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि यहाँ पर गड़बड़ घोटाला चल रहा है। भाई गड़बड़ घोटाला माने तो मतलब कि इन्होंने जानबूझ के मैच को लूज कर दिया, तो इसके रिलेटेड भी इंक्वायरी चल रही है। और ये जो मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब है ना, यहाँ पर 12 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए ही आपका क्या बनता है, कोई आपका प्रेसिडेंट, बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक आपका नॉमिनेट कर दिया गया एक महिला को क्या कर दिया गया, आपका नॉमिनेट कर दिया गया। इन महिला का नाम क्या आपका, क्लेयर कोनोर। क्लेयर कोनोर जो है ये आपका इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेल चुकी हैं, और अक्टूबर 1, 2021 के बाद इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। क्लेयर कोनोर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किसी ने, मेरे ख्याल से मेजरली बुलसाई के स्टूडेंट्स होंगे, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है, ये ड्यूटी है बोलने की मेरी।
Who among the following has was named as the ambassador for the 45th edition of Toronto International Film Festival? Toronto के अंदर आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका जो फिल्म फेस्टिवल है उसके दो आपके बताइए जल्दी से कि दो व्यक्ति रहे आपके. अब दो हो गया तो इसका मतलब डी ही आंसर होगा. मैंने आपको बता दिया एक है प्रियंका चोपड़ा और ठीक है एक भाई साहब कौन है आपके अनुराग कश्यप. ठीक है इन दोनों को क्या बनाया गया आपका वहां पर एम्बेसडर. कौन सा एडिशन है 45th एडिशन. तो स्लैट का अगर पेपर दे रहे हैं तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है कौन सा एडिशन कहां पर कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर है. तो प्लीज याद रखिएगा इसको. ठीक है ओके नेक्स्ट है हमारे पास. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 86 तक हमारा हो चुका है. चलिए वी आर मूविंग एट अ गुड स्पीड राइट. Who became the first Indian to participate in $150,000 chessable master tournament? इसके अंदर आने वाले व्यक्ति का नाम बताइए क्या है. इनका नाम क्या आपका पी हरिकृष्णा. ठीक है एक चेस फाइट कॉम्पिटिशन होता है आपका वो भी हमने डिस्कस किया था. वो क्या है आपका चेस फाइट कॉम्पिटिशन किसने जीता है आपका वो चाइना जीत चुका है आपका. ठीक है और इंडिया का सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं. ठीक है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. चलिए वेरी गुड. इनका नाम क्या आपका पी हरिकृष्णा. माइकल मार्टिन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. ये कौन सी कंट्री के आपके प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुए हैं. देखो यूके से भी अपना अपने को पता है बोरिस जॉनसन है. चाइना का हमें पता है कि कम्युनिस्ट कल्चर है शी जिनपिंग है वहां पर. लग्जमबर्ग की बात नहीं है यहाँ पर. लग्जमबर्ग न्यूज में इसलिए था लग्जमबर्ग में आपके 75% से ज्यादा लोग अपनी गाड़ी से चलने वाले लोग हैं और इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या कर दो फ्री कर दो ताकि लोग फ्री के चक्कर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने लग जाएं. अगर हम बोलें कि जयपुर में बोल दिया जाए कि भाई सबको फ्री ट्रांसपोर्टेशन है तो वो अच्छा रहेगा बुरा रहेगा. सबके फायदे की बात है. मेट्रो में फ्री में ट्रेवल करो जहां आपको जाना है वहां पर आप फ्री में ट्रेवल करो. तो इसका आंसर क्या होगा आपका आयरलैंड. इसका आंसर क्या आपका आयरलैंड. आयरलैंड की कैपिटल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से जल्दी. ठीक है तब तक हम अगले सवाल पर जाते हैं. आयरलैंड की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में बताइए. सॉरी ये कट करना पड़ेगा. ओके सुनीता लाकरा ऑफ इंडिया अनाउंसेस हर रिटायरमेंट रिसेंटली. सुनीता लाकरा ने अभी अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. सुनीता लाकरा कौन सी गेम आपकी खेलती थी. सुनीता लाकरा जिन्होंने अभी अभी क्या किया अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया शी पर्टेन्स टू विच स्पोर्ट. जल्दी से बहुत आसान है आ जाता है रिटायरमेंट के ऊपर सवाल ना पेपर में. बहुत सवाल पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड है. ये रिलेटेड है आपकी किससे हॉकी से. ठीक है हॉकी के अंदर और हमने देखा था कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो आई थिंक फोर्थ है मेल कम्युनिटी की अभी फिलहाल के लिए. सुनीता लाकरा ने क्या ले लिया आपका रिटायरमेंट. वैसे इंडिया की फीमेल हॉकी टीम जो है वो एक जगह से आती है शाहबाद. शाहबाद जो एक छोटा सा टाउन है आपका हरियाणा के अंदर. इनफैक्ट हाँ हरियाणा के अंदर ही आपका टाउन पड़ेगा. अम्बाला या कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी. वहां पर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है. मेजर टीम आपकी वहीं से आती है हॉकी की. आती थी अभी तो पूरे इंडिया से आते हैं. Who was appointed as the first chairman of National Medical Commission? अब National Medical Commission आपका नया बनाया गया है क्योंकि आपकी जो existing authorities थी उनके ऊपर बहुत सारे आपके सवाल उठते थे. आपका जो Medical Council of India है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते थे. अब ये एम्स के डॉक्टर है ENT स्पेशलिस्ट हैं. इनका नाम बताइए जल्दी से क्या होगा. जल्दी से बताइए इनका नाम क्या होगा आपका सुरेश चंद्र शर्मा. इनका नाम क्या आपका सुरेश चंद्र शर्मा. बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट हैं ईएनटी के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं. और जो एग्जिस्टिंग बोर्ड हैं आपके मेडिकल के जैसे आपका नेशनल आपके जो भी इस टाइम पर एग्जिस्टिंग बोर्ड थे उनमें लाइसेंसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम थी. उनपे करप्शन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल उठते थे. बट अब क्या कर दिया गया आपका आपका जो एनएमसी था जिसको हम बोलते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन आई थिंक और उसको जो है मतलब इस टाइम पर जो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग अथॉरिटी थी मेडिकल की उसको हटाकर अब इन्होंने किसको सॉरी अब नेशनल मेडिकल कमीशन तो अभी आया आपका जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटी थी उसकी जगह पर किसको लेकर आए हैं आपके सुरेश चंद्र शर्मा जी को. ठीक है एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को अब अंडरमाइन किया जा सकता है तो अब आपकी अलग से अथॉरिटी बना दी गई है जिसका नाम क्या आपका नेशनल मेडिकल कमीशन. इसके ऊपर एक थोड़ा सा और डीप रिसर्च करके थोड़ा सा और काम करके इसको दोबारा हम आएंगे इस सवाल के ऊपर क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये सवाल कि क्या प्रॉब्लम था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप लोग जा रहे हैं ज्यादातर तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए. ठीक है थोड़ा सा और रिसर्च ये मांगता है सवाल तो उस पर करके मैं वापस आपको एक बार कराऊंगा. हु वाज अपॉइंटेड एज द 11th एंड फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ
यूके क्वीन यूनिवर्सिटी, यूके की क्वीन यूनिवर्सिटी की चांसलर आपका किसको अपॉइंट किया गया है? चलिए जल्दी से बताइए किसको अपॉइंट किया गया आपका। इनका नाम क्या आपका? हिलेरी रोडमैन क्लिंटन, हिलेरी रोडमैन क्लिंटन। तो पहली बार कोई महिला जो है आपकी यूके की क्वीन यूनिवर्सिटी की क्या बनी है? चांसलर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कई बार ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। Which game along with cycling was included for the first time in Khelo India? आपका Khelo India के अंदर और कौन सा game आपका introduce किया गया? इसका नाम क्या आपका? Lawn balls। अब lawn balls में ऐसा है कि इसमें कुछ ऐसे circle बने होते हैं और concentric circles हैं। Concentric circles, वैसे concentric circle बिल्कुल नहीं लग रहा जो मैंने बनाया। इसके अंदर जो है यहाँ से आप बॉल फेंकते हैं और आपको इन बॉल्स को इसके अंदर कोट करना होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड गेम है आपकी लॉन बॉल्स। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि खेलो इंडिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। खेलो इंडिया गेम आपके 2018 में शुरू हुए थे। सबसे पहला एडिशन जो था वो इनका कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर। 2019 वाला जो एडिशन था वो इंपॉर्टेंट था, वो कहां पर हुआ था? आपका पुणे के अंदर। और आपका 2020 का जो एडिशन है ये कहां पर हुआ? आपका असम, यानी कि गुवाहाटी के अंदर आपका ये क्या हुआ? आपका लेटेस्ट एडिशन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसके अंदर टॉप कौन सी स्टेट ने किया होगा? खेलो इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट ने टॉप किया होगा? एनीवन, कोई भी बताना चाहे। इसमें टॉर्च लाइटर जो थी वो आपकी हिमा दास थी। हिमा दास यहां पर आई थी आपकी। इसमें सबसे नंबर वन पे कौन सी कंट्री रही होगी? टोटल मेडल सबसे अधिक जीते हैं महाराष्ट्र ने। 256 मेडल्स आपके किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने। ठीक है, 256 मेडल वन बाय महाराष्ट्र एंड 200 मेडल वन बाय हरियाणा। बहुत ही छोटी सी स्टेट और आपका मेडल आने में नंबर सेकंड पे आपका आ चुका है। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत कम है आपका, 2 करोड़ के लगभग आपकी पॉपुलेशन है। और महाराष्ट्र में तो माशाल्लाह अभी कोरोना के केस ना हो जाए कहीं, चलिए भगवान ना करे ऐसा हो। रियली सॉरी फॉर दिस। डेनियल डी रोजी हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? डेनियल डी रोजी, ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? क्या क्रिकेट से रिलेटेड होंगे? क्या क्रिकेट से रिलेटेड है डेनियल डी रोजी? क्या लगता है कौन सी गेम से रिलेटेड होंगे? एक काफी इंपॉर्टेंट गेम है, विश्व की नंबर वन गेम आप उसको बोल सकते हैं। कौन सी गेम होगी? अब तो बहुत आसान हो गया, विश्व में सबसे अधिक कौन सा खेल खेला जाता है? आपका फुटबॉल का। फुटबॉल से रिलेटेड क्या क्या आ गया दिमाग में? फुटबॉल देखते ही अब दिमाग में क्या होगा? 2018, 22, 26 मेक्सिको, है ना, कीवर्ड्स आ रहे हैं फटाफट दिमाग में या नहीं? आपका जो कतर के अंदर होने वाला है वो भाई हमेशा समर में होता है वर्ल्ड कप, बट अब की बार विंटर में किया जाएगा क्योंकि कतर में गर्मी बहुत रहती है। 8 प्लेग्राउंड है, 5 शहरों के अंदर गेम होगा। 2026 के जो गेम है, मेक्सिको जो है वो आपका पहली ऐसी सिटी बनेगी जो को होस्ट करेगी आपके 3 बार आपके फुटबॉल को। और जो आपका 2030 का होगा वो सेंटेनियल आपका सेलिब्रेशन होगा। मेरे ख्याल से इतना बहुत है, है ना। और अंडर 17 का जो महिलाओं का आपका वर्ल्ड कप, अंडर 17 का जो वर्ल्ड कप है महिलाओं का 2021 में, वो कहां पर होगा? आपका इंडिया के अंदर, है ना। बताओ जल्दी से बूस्टर वाले लोग, क्या दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाता है फटाफट? फुटबॉल को देखते ही आ रहा है सब चीजें दिमाग में, नहीं? जल्दी बता दो जल्दी से। ओके, पेड्रो सेंकेज पेरेज कैस्टेजोन वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये कौन सी कंट्री के आपके प्राइम मिनिस्टर अभी आपके सिलेक्ट हुए हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? ये तो बहुत आसान है, ये कहाँ के सिलेक्ट हुए हैं आपके? स्पेन के। ठीक है, स्पेन, बार्सिलोना का पोर्ट आपका स्पेन के अंदर है और स्पेन के बराबर में एक जगह है जिसका नाम क्या आपका? कैटालोनिया। कैटालोनिया इज डिमांडिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। कैटालोनिया जो है आपका वो किससे इंडिपेंडेंस चाहता है? आपका स्पेन से। ला कासा डी पेबल जो आपका मनी हाइस्ट आप लोगों ने देखा होगा, वो भी आपका स्पेन में ही शूट हुआ था वो भी। ठीक है, चलिए, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच टू कंट्रीज हैज रिन्यूड इट्स एमओयू ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्टोरल मैनेजमेंट? इलेक्टोरल मैनेजमेंट जो है ना वो इंडिया में बहुत ही शानदार होती है, और इतना बड़ा देश और यहाँ पर आपका इलेक्शन लड़ना, जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, आपको दे चुका हूँ वापस, मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर मेंशन इन दी पीडीएफ, आपके पीडीएफ में दे रखा है सारा इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड एक एक चीज बता रखी है, तो वहां पर जाकर आप उसको
पढ़ सकते हो, इलेक्टोरल मैनेजमेंट से रिलेटेड इंडिया ने किसके साथ टाइप किया, आपके मॉरिशस के साथ, इंडिया एंड मॉरिशस। मॉरिशस जो है वो आपकी टॉप कंट्रीज में आता है जो इंडिया में डालती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और यू कैन से FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है भारत में सिंगापुर और मॉरिशस से सबसे अधिक आपकी आती है। ठीक है, आपको आपको याद रखना है कि कौन कौन से हो गई आपकी, एक सिंगापुर और एक आपका मॉरिशस। मॉरिशस में आपकी शेल कंपनीज बहुत सारी होती हैं, इंडिया ने बहुत सारे रूल भी अब बना दिए ताकि लोग जो हैं गलत फायदा ना उठा सके टैक्स रिबेट्स का। इस देश में टैक्स नहीं लगता, अगर आप पैसा कमाते हो तो वो वापस लेकर आप आ सकते हो इंडिया के अंदर। ठीक है, नहीं देखना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा तो बाद में देख लेना, मस्त एकदम। ठीक है, अजीत चौधरी, ओके, मैंने भी नहीं देखा बेटा। चलिए नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट इंडियन इक्वेस्टेरियन हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक आफ्टर टू डेकेड्स। 20 साल के बाद आपका क्वालिफाई किया है किसके अंदर, हमने एक गेम के अंदर जिसका नाम है कि आपका इक्वेस्टेरियन। अब इक्वेस्टेरियन क्या गेम होती है, आपने देखा होगा कि बड़े लोगों की गेम है वैसे, ये हडल रेस है एक प्रकार से। आपके जो एक पर्सन है वो एक हॉर्स के ऊपर बैठा होगा, उसके सामने हडल होगा और उसमें आपको दौड़ना होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेस्टेरियन। इक्वेस्टेरियन गेम के अंदर जो एक व्यक्ति है जिनको अभी आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, इनका नाम क्या होगा जल्दी से कोई बताना चाहे, 5 सेकंड का आंसर होगा। इसका नाम क्या है आपका, 1 2 3 4 5, इनका नाम क्या आपका, फवाद मिर्जा। इनका नाम क्या आपका, फवाद मिर्जा। मिर्जा भाई साहब है तो याद रखना कि मिर्जा जी 20 सालों के बाद क्या है आपके, ओलंपिक में जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया आपका, इंडिया के किसी व्यक्ति ने अगर क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मी लालरी लूंगा जो मैंने आपको बताया था वो क्वालिफाई कर गए, उनके साथ एक और व्यक्ति जो आपके विराट कोहली के साथ जिनको मिला था आपका क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, साईकोम मीरा भाई चानो वेटलिफ्टिंग के अंदर वो दोनों हो गए, और इधर से कौन हो गए आपके, एक गेम जिसमें इंडिया ने 20 साल बाद क्वालिफाई किया है इक्वेस्टेरियन, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक हमको पता है ना, टोक्यो ओलंपिक आपका शिफ्ट हो गया, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है ये भी हम कर चुके हैं आपका। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए कि टोक्यो ओलंपिक आपका किस डेट से किस डेट तक आपका होने वाला है। ठीक है, किस डेट से किस डेट तक आपके टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर आप दे दीजिए। उसके बाद जो अगले वाले ओलंपिक हैं 2024 के जो ओलंपिक है, 2024 के ओलंपिक से रिलेटेड सवाल सबसे कंट्रोवर्शियल पेपर क्लैट का, 2018 का पेपर तो ठीक था बट उसका जो कंडक्ट करने का तरीका था वो बहुत ही भयंकर था। वो सब आप सब लोगों को पता है कि कितना रिजल्ट फेक आया था इंस्टीट्यूट का उसके अंदर आपका, और 2018 का जो रिजल्ट था मतलब 2018 का मतलब जो ऑनलाइन वाला सिस्टम था उसी की वजह से फिर उसको बैन कर दिया गया था कि ठीक है आप ऑनलाइन नहीं करेंगे जब तक क्लैट में 2 लाख बच्चे नहीं हो जाते, पेपर को आपका ऑफलाइन किया जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, उसमें सवाल आया था पेपर में बेटा आपका कि 2024 में ओलंपिक होंगे पेरिस के अंदर। अब बताइए कि किस कितने साल पहले आपका ओलंपिक आपका पेरिस में हुआ था, 1924 में हुआ था। 1924 के बाद क्या हुआ आपका, दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपका 2024 में आपके ओलंपिक। ये कहां पर होने वाले हैं आपके, पेरिस के अंदर। ये कब आया था आपका सवाल, 2018 में आ चुका है आपका ये सवाल, आज से 2 साल वाले पहले पेपर में, जो कि बहुत ही भयंकर पेपर था, शायद अब की बार आपके साथ ऐसा ना हो। बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है पिछले सवाल का। ठीक है, और 2028 के ओलंपिक सबको पता है कहां पर होने वाले, 2028 लॉस एंजलिस यानी कि LA, ये कहां पर होगा बेटा आपका, LA लॉस एंजलिस के अंदर आपका ये गेम होने वाला है। ठीक है, आपके ओलंपिक आपको याद रखने हैं, और जो गेम्स आपके ओलंपिक में नहीं होते वो कहां पर जाते हैं आपके, वर्ल्ड गेम्स में। वर्ल्ड गेम्स आपका ट्रांसफर हो चुका है, वर्ल्ड गेम्स अब कहां पर होगा आपका, बर्मिंगम, और कौन सा बर्मिंगम, यूके वाला नहीं आपका, यूएस वाला बर्मिंगम। 2021 में आपका वहां पर गेम होंगे। सबसे पहले कब हुए थे वो गेम्स, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए जल्दी से जल्दी। ओके, यहां पर है विच फर्म हैज साइंड एन MOU, आपका MOU साइन किया इंडियन रेलवे फॉर ई ऑफिस एग्जीक्यूशन, यानी कि पेपर वर्क कम होकर डिजिटलाइजेशन की तरफ भारत बढ़ रहा है, आपका डिजिटलाइजेशन में इंडिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर ई ऑफिस एग्जीक्यूशन जो है आपका, ये क्या है आपका, रेलटेल, इसको आपको याद रखना है बेटा, रेलटेल। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं रेली, शुभ शुभ बोलो,
नहीं अब की बार ऐसा नहीं होगा। रेलटेल, रेलटेल के साथ इन्होंने टाई अप किया है, आपके लगभग 32 डिवीजन के साथ ये लोग टाई अप कर रहे हैं कि आपके ऑफिस में पेपर वर्क की जगह क्या हो जाए, आपका डिजिटल वर्क यहाँ पर हो जाए। तो भारतीय रेलवे जो है उसने ई ऑफिस एग्जीक्यूशन के लिए किसके साथ टाई अप किया, आपका रेलटेल के साथ। आई होप इतना क्लियर है सबको। अच्छा अगले सवाल में अपने को दिख रहा है बांग्लादेश, ठीक है, अब मेरे को ताबड़तोड़ आंसर चाहिए और कुछ देखे बिना, कि बांग्लादेश को देखते ही अपने दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही है। कीवर्ड्स लिख देना मेरे को फटाफट, कीवर्ड्स लिख देना जल्दी से जल्दी। आई एम गिविंग 30 सेकंड टू एवरीवन, बांग्लादेश को देख कर 30 कुछ आपको 4 से 5 कीवर्ड लिखने हैं। 30 सेकंड्स ऑल ऑफ यू, 30 सेकंड्स। Okay. I'm getting रूपुर, आरो आरो, ये कुछ कुछ आ रहा है आंसर। ट्रेन मैत्री बंधन, बढ़िया। संप्रीति, आरो आरो मैत्री बंधन, बढ़िया बढ़िया। गुड टू सी हरमन टिवाना अर्ली मॉर्निंग, ये हरमन टिवाना ही है ना सुबह सुबह, गुड जॉब। अभिषेक मैत्री बंधन आ गया, आरो आरो रूपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट मैत्री समर्पण। अखोरा अगरतला रेलिंग, बहुत बढ़िया। मोंगला चेन्नई पोर्ट लॉन्गेस्ट बाउंड्री, क्या बात है क्या बात है। अच्छा आ रहा है ना दिमाग में, अब पढ़ने का फायदा लग रहा है कि ठीक है इसको देखते ही अपने को कीवर्ड समझ आ जाने चाहिए। बांग्लादेश को देखते ही क्या क्या सवाल बन सकते हैं स्टैटिक्स से रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वो सब अपने को याद रहेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, प्राउड ऑफ यू ऑल। नेक्स्ट आता है, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड मिखाइल व्लादिमिरोविच मिशुतिन एज अ प्राइम मिनिस्टर इन द ईयर 2020। आपके व्लादिमिरोविच जो है, अच्छा व्लादी जो है अपने को बहुत बार, व्लादिमीर पुतिन हो गया, व्लादिवोस्तोक हो गया और एक और व्लादी हो गया। अब व्लादी से क्या लगता है, कहां पर होगा ये व्लादी से क्या होगा, व्लादी से कहां पर होगा, जल्दी से, तो बहुत आसान हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 99, अपने को व्लादी व्लादी सब जगह कहां पर दिखता है, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए बिना बताए आंसर आ जाना चाहिए था इसका। तो व्लादिवोस्तोक कहां पर है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रशिया। ये क्या है आपका, रशिया के क्या हो चुके हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही शानदार, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज साइंड एमओयू विद नीति आयोग। सरकार का जो थिंक टैंक है उसका नाम क्या है, आपका थिंक टैंक का नाम क्या है, भारत सरकार की नीति आयोग, ठीक है, नीति की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बता दो। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन से भारतीय राज्य ने टाई अप किया आपके नीति आयोग से, इसका नाम क्या होगा आपका, जल्दी से गेस करिए, बहुत ज्यादा न्यूज में आपका, इसका नाम क्या आपका, लद्दाख। लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर आपकी 4 सीट्स होती थी असेंबली की, उन 4 सीटों को हटा दिया गया है और भारत में आपकी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी आपकी बन चुकी है जिसके अंदर ऐसी यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है, आपकी 3 ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जहां पर आपका क्या होता है, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, यानी कि जहां पर आपके स्टेट इलेक्शन भी होते हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और एक आपका जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख के अंदर जो 4 सीटें थी वो हटा दी गई है, ये कंप्लीटली आपका इंडिया का पार्ट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बढ़िया 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 बढ़िया, शानदार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट देखते हैं, अगला सवाल है अपने पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज क्वींस काउंसिल फॉर द कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ऑन January 17, 2020। अरे बहुत ही डेंजरस व्यक्ति हैं ये आपके, और इनके पिताजी दादाजी सब वकील हैं, इनका नाम क्या आपका, हरीश सालवे। हरीश सालवे बहुत ही मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि आइडल बन सकते हैं जो लोग जुडिशरी में आप लोगों में से जाना चाहते हैं। हरीश सालवे बहुत ही शानदार व्यक्ति, हरीश सालवे ने क्या काम किया आपका, ये कुलभूषण का जाधव का केस भी इन्होंने लड़ा है, कितने रुपए में लड़ा पता है, 1 रुपए के अंदर। और अब ये छोटे, ये देशभक्ति वाला केस तो ये फ्री में लड़ गए, बट अभी जो आपका ये एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, मतलब ये बीजेपी के थोड़े से करीबी माने जाते हैं, और सचिन पायलट के जितने भी आपके जितने भी एमएलए जो है उनके अंगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग करने का प्लान किया गया है उसके अंगेंस्ट, उसमें भी कौन फेवर में खड़े हैं, सचिन पायलट के आपके हरीश सालवे। हरीश सालवे एक केस का लगभग, कई लोग बोलते हैं कि
25 से 30 लाख भी चार्ज करते हैं, अलग अलग रेट है भाई, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। जैसे आपके कपिल सिब्बल टाइप है वो आपके 10 लाख रुपया पर केस लेते हैं, वैसे जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं लॉ की, अगर किसी को पैसा ज्यादा मोटिवेट करता है, लिटिगेशन ज्यादा मोटिवेट करता है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि आपके हरीश सालवे हो गए और ये जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, कपिल सिब्बल हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, एक आपके लुधियाना से एमपी होते थे पहले, अब मेरे को नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा उनका, अभी नाम याद आ रहा है उनका, तो वो भी आपके लॉयर साहब हैं, तो ज्यादातर आपके पॉलिटिक्स में भी लॉयर हैं। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम क्या आपका हरीश भाई सालवे, ठीक है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ के नए चीफ कौन अपॉइंट आपके भाई साहब हुए हैं, इनका नाम कौन बताएगा अपने को, क्या नाम है इनका, इनका नाम है आपका सतेंद्र कुमार सैनी, ठीक है, सतेंद्र कुमार सैनी मेरा एक स्टूडेंट था, वो बहुत ही शानदार पोस्ट पे इस टाइम पे मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, पहले वो क्लर्क लगा था एक बैंक में, फिर अब वो एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, उसका नाम भी सतेंद्र कुमार था, ठीक है, वो बहुत होनहार आदमी था, तो आप याद रखना कि सर का एक होनहार छात्र जो है वो क्या बन चुका है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, बहुत ही बकवास जॉब था ये। चलिए, और चीफ स्टाफ इस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं मनोज मुकुंद नरवाने, और उन्होंने किसको रिप्लेस किया था, फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया को, फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया कौन बन गए आपके दलवीर सिंह भंडारी। फर्स्ट सीडीएस का काम क्या क्या होता है, बस दिमाग में फटाफट कीवर्ड आने चाहिए और कीवर्ड को आप लिखते जाइए, कीवर्ड जैसे ही दिमाग में आए, और जो भी एक एक गुरु मंत्र होता है क्या कि आर क्यूब, रिपीट रिवाइज रिकॉल, रिपीट करो रिवाइज करो रिकॉल करो, अगर नहीं समझ आए तो इसको फिर से क्या करो, रिपीट रिवाइज रिकॉल, तीन चार बार जिसने कर लिया उसको जीके दिमाग में फिट हो जाता है, ठीक है, फिर एक सर्टेन सेट रहता है कि ठीक है बांग्लादेश देखते ही अपने को समझ आ जाता है सब कुछ, हम पाकिस्तान देखते हैं सब समझ आता है, चाइना देख के गलवान डिस्प्यूट समझ आ जाएगा, तो बस छोटी छोटी नॉलेज अगर हम इकट्ठी करते जाएंगे तो वो बहुत फायदेमंद रहता है अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है अपने पास 102 हो गया, नेक्स्ट है 103, हु ब्रोक हाशिम आमला's रिकॉर्ड। हाशिम आमला एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर रहे आपके साउथ अफ्रीका की तरफ से, इन्होंने क्रिकेट खेला आपका, सबसे तेज 7000 रन बनाने के अंदर एज एन ओपनर वाइल प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, किसने आपका एज एन ओपनर सबसे अधिक आपके मतलब सबसे जल्दी 7000 रन कंप्लीट कर लिया, हाशिम आमला का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया आपका एज एन ओपनर की यहां पर बात हो रही है, इनका नाम क्या आपका मिस्टर रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, पहले रिकॉर्ड किसके नाम था, नाम पे था आपका विराट कोहली के नाम, नहीं विराट कोहली ने तो खैर टोटल में 7000 रन ज्यादा बनाए थे, फिर आशिम आमला आ गए और अब कौन है आपके रोहित भाई शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा ने आपके 5 क्या बना दिए, 500 बना दिए थे वर्ल्ड कप में, सबसे हाईएस्ट रन गेटर भी कौन थे आपके रोहित शर्मा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके गुड, आई होप रिवीजन के लिए स्पीड ठीक है बेटा, स्पीड हम कम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये मैं भेज चुका हूं आप लोगों को सबको, यस यस बिल्कुल ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है, ओके और आईपीएल की भी डेट आ चुकी है कि 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, भगवान करे इस बार हम आईपीएल में आराम से बैठ के देख पाऊं, है ना, उस आईपीएल में अब की बार आराम से मजे करेंगे। नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर हु वॉन द 2020 वुमेन्स डबल टाइटल ऑफ द 27th वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी, उस भारतीय प्लेयर का नाम बताइए जिसने 2020 का वुमेन डबल टाइटल जीता 27th वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन होबार्ट ट्रॉफी को जिन्होंने जीत लिया है, इनका नाम क्या होगा, अंकिता रायना होगा, ऋषिका सुनाकरा होगा, ईशा लखानी होगा, या फिर आपकी सानिया मिर्जा, जल्दी से कौन बताएगा इसका आंसर, 104 का आंसर, कौन है आपकी फेमस सानिया मिर्जा, इनका नाम क्या आपका सानिया मिर्जा, सबको पता है इनकी शादी किससे हो रखी है, शोएब अख्तर मत लिख देना कोई, ओके। नेम द इंडियन फर्म दैट हैज साइंड एन एमओयू विद नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी ऑफ घाना ऑयल रेगुलेटर फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ घाना नेशनल एलपीजी प्रमोशन पॉलिसी। अब भारत जो है ना, आप ऐसा मान के चलिए कि भारत एक्सपो जो चीज इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं ना, वही चीज हम एक्सपोर्ट भी काफी अच्छी खासी करते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल डीजल गैस ये सब चीजें हम काफी ज्यादा आपका क्या करते हैं आगे की मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और हम ना लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो एक तो है आपका ईस्टर्न अफ्रीका, ये हो गया आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर है
एरिटेरिया, एरिटेरिया में जो आदमी पैदा हुआ उसका नाम लिख दो फटाफट। मैंने आप लोगों को बता रखा है एरिटेरिया में एक आदमी पैदा हुआ जो आजकल WHO का हेड है और जो चाइना को फेवर करता है, और एरिटेरिया में चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत सारी है। एरिटेरिया के बाद आता है आपका डी यानी कि जबाउती, उसके बाद क्या आता है आपका सोमालिया, और फिर आता है आपका क्या इथोपिया। ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट में ना आपका चाइना भी घुसा हुआ और आपका इंडिया भी घुसा हुआ है। साउथर्न पार्ट थोड़ा सा डेवलप है आपका, साउथ अफ्रीका जो है, बट अगर हम वेस्टर्न पार्ट की तरफ आए ना, जो अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ पर आप ऐसा समझ के चलिए कि इधर पड़ेगा आपका लाइबेरिया। ठीक है, मैं बिल्कुल रफ मैप बना रहा हूँ, ये आपका लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है इस साइड में आप आ जाइए तो कोटे डी आइवरी आपका आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर लगभग क्या पड़ेगा आपका घाना, घाना के बराबर में टोगो है। टोगो दुनिया का सबसे डिप्रेस्ड कंट्री है, उसके बाद बेनिन आता है, ऊपर आपका बुकिना फेसो, और इधर आके बीच में क्या है आपका नाइजीरिया। एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है कहाँ की आपकी, अफ्रीका की। ठीक है, ये सारे देश जो है ना, इन सब देशों के साथ ना भारत ना कुछ भी करके क्या कोशिश कर रहा है कि हम इन कंट्रीज में ना एक बार घुस जाएं, कि एक बार हम इनसे एंट्री ले ले इन कंट्रीज के अंदर, क्योंकि यहां पर ना एक तो इंडियन बेस बहुत ज्यादा है। आप लाइबेरिया में चले जाओ, आपको यहाँ के सिंधी लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, आपकी सिंधी कम्युनिटी लाइबेरिया के अंदर बहुत है। आप बाकी जगह पर चले जाओ, आपके गुजराती लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। भारत का बेस ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा है, हम लोग वहां पर जाकर काम तो कर रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस भी वहां पर शुरू कर रहे हैं, बट भारतीय कंपनियां, अगर बड़ी कंपनियां वहां पर जाकर इनकी छोटी कंपनियों की मदद करेंगी, तो इंडिया का बेस जो है आने वाले टाइम का, हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, कम एंड मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बाहर की कंपनीज को इंडिया में बुलाएंगे, मेक इन इंडिया का एक पार्ट ये भी है कि हम ऐसी कंट्रीज में भी जाएंगे जहां पर लैंड लेबर ये सारी चीजें सस्ती होंगी और हम वहां से एक्सपोर्ट हब उनको बना सके। ठीक है, तो घाना एक ऐसा ही देश है। घाना की कैपिटल क्या है आपकी, अकरा। घाना की कैपिटल क्या आपकी, अकरा। अकरा यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अकरा, अकरा वो लोग मतलब अकरा एक ट्रांजिट पॉइंट है, जैसे आपका न्यू दिल्ली है, जैसे दिल्ली से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक अकरा और एक आपका एडिस अबाबा, दो आपके ट्रांजिट पॉइंट है आपके अफ्रीका के। ठीक है, मतलब जहां से आपकी फ्लाइट चेंज होती है बहुत ज्यादा, अगर किसी को यूरोप जाना है तो ये भी रास्ता आपके यूरोप जाने का। चलिए नेक्स्ट, अपने पास नेम द फर्स्ट वुमेन एंड 13th प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस हु वाज इलेक्टेड ऑन Jan 22, जो जनवरी 22 को आपकी सिलेक्ट हुई हैं, इनका नाम आपका क्या रहेगा, जल्दी से कौन बताएगा मुझे इनका नाम, इनका नाम क्या है आपका, जल्दी से एनीवन, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ग्रीस, ग्रीस एक ऐसा देश है जहां पर आपका क्या था, ग्रीस आपका, आपके जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं 1896 में जो स्टार्ट हुए वो यहीं से स्टार्ट हुए हैं, आपके अलार्म क्लॉक्स के लिए फेमस देश रहा आपका, डूबते डूबते बच गया क्योंकि IMF ने इसको बेल आउट कर दिया, क्योंकि यूरो तो छाप नहीं सकता था यूरोपियन सेंट्रल बैंक से बिना पूछे, और इन्होंने बहुत सारी स्कीमें ऐसी चला रखी थी, फ्री फंड वाली स्कीमें, जैसा मतलब जनता को खुश करने के लिए राजनेता बोल देते हैं कि आपको फ्री में पेंशन, आप बेरोजगार हो तो आपको पैसा। तो इनका नाम क्या आपका, कैटरीना, मैडम है इनकी कौन सी आपकी, कैटरीना साकेलार पोलू, क्या नाम है इनका, बस कैटरीना याद रखना आप। ठीक है, तो कैटरीना कहाँ पर गई आपकी, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, साकेलारा, साकेलारा पौलू। ठीक है, ये जो है कैटरीना जो है ये ग्रीस की क्या बन गई है आपकी, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेम द फर्स्ट वुमेन एंड 13th प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। ठीक है, ग्रीस की कैपिटल क्या है, कोई बताएगा, बहुत इजी है, एथेंस। ग्रीस की कैपिटल क्या आपकी, एथेंस। ओके, नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट्स अथॉरिटी वॉज डी रिकग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर वायलेटिंग द स्पोर्ट्स कोड ऑफ 2011, 2011 का स्पोर्ट्स कोड जो है जिन्होंने वायलेट कर दिया, उन्होंने इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने पता है क्या किया, लोगों को बिना मतलब एक पारदर्शिता के बिना उनको चेयरमैन बना दिया गया, इसका नाम क्या आपका, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि तैराकी विभाग जो है आपका जो था उसको क्या कर दिया गया आपका, डी रिकॉग्नाइज। इनको बोला गया कि जब तक आप अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, यहाँ पर जो आपका नेपोटिज्म है वो खत्म नहीं होगा भाई भतीजवा, तब तक हम आपको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं देंगे, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जा ही नहीं सकते। ठीक है, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। आई होप इतना क्लियर सबको। 108 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं।
Which state clinched Khelo India Youth Games 2020 Champions Trophy by winning 256 medal? हम सबको पता है 256 medal किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने कितने medal जीते हैं? आपके 200 medal. तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल से कर्नाटक आया है इसके अंदर, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास, who was elected as the board of trustees of World Economic Forum along with Patrick Mostep on Jan 24, 2020? जनवरी के महीने में आपके World Economic Forum के board of trustees में कौन पहुंच गई आपकी, कौन, क्या नाम है इनका मैडम का? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा. ये मैडम जो है ये कहां पर है अभी आपकी? IMF में काम कर रही है. क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा कहां पर है आपकी? IMF के अंदर, ठीक है. और IMF में एक इंडियन लेडी भी है जिसका नाम क्या आपका? गीता गोपीनाथ. लिखा भी है यहाँ पर, नेम द कंट्री, उस कंट्री का नाम बताइए दैट विल होस्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप. उस देश का आप नाम बताइए जो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा जहां पर आपका 2021 में 6 शहरों के अंदर. अब मैंने आपको बता रखा है कि वुमेन क्रिकेट भी आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट अब हो चुकी है, वुमेन IPL भी आपका काफी फेमस हो चुका है, तो अपने को ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है. इसको याद रखिए कि 2021 में आपका जो न्यूजीलैंड है वहां पर क्या होगा? 50 ओवर का वर्ल्ड कप. यहां पर क्या होगा आपका? 50 ओवर का वर्ल्ड कप. अगर कोई बात करे कि महिलाओं का 2020 वर्ल्ड कप कहां पर होगा, तो वो कहां पर होगा आपका? 2022 के अंदर, इसके एक साल बाद होगा 2022 में. और वो कहां पर होगा आपका? साउथ अफ्रीका. दैट विल बी हेल्ड इन साउथ अफ्रीका. वो कहां पर होने वाला है आपका? साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है. ये होगा आपका साउथ अफ्रीका में. चलिए महिलाओं का, और जो लेटेस्ट हुआ था वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. 2020 वाला 8 मार्च को फाइनल हुआ था और उसके अंदर पूनम यादव अपना कीवर्ड रहेगा, शिफाली वर्मा कीवर्ड रहेगा, बेथ मुनी कीवर्ड रहेगा उसके अंदर, एलिसी पेरी कीवर्ड रहेगा, और हरमनप्रीत कौर जो सॉरी आपकी जो स्मृति मंडाना है वो भी कीवर्ड है उसके अंदर, और मैग लैनिंग, ये सारे आपके कीवर्ड है, ठीक है. नेम द कंट्री दैट विल होस्ट द ICC मैन T20 वर्ल्ड कप इन 2021. अभी 2021 की जगह ना क्या हो गया आपका? 2022, ठीक है, क्योंकि आपका जो 2020 वाला था वो 21 में चला गया, 21 वाला आपका 22 में जाएगा, और ये कौन होस्ट करेगा आपका? भारत यानी के इंडिया, ठीक है. और 2023 में भी वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो होने वाला है वो कहां पर होने वाला है आपका? इंडिया में. 2023 का वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है आपका? इंडिया के अंदर. दैट विल आल्सो बी हेल्ड इन इंडिया. ये 50 ओवर का होगा और 20 ओवर वाला 2022 में होगा. बताइए महिलाओं और पुरुषों के दोनों वर्ल्ड कप आपको दिमाग में फिट हो जाने चाहिए बिल्कुल, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेम द स्लोवेनियन यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली. जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन रिसेंटली अपना दे दिया है, जल्दी से बताइए क्या नाम है इनका? किस व्यक्ति ने अपना अभी अभी रेजिग्नेशन दे दिया है? अभी ये कॉमेडी वोमेडी करते थे थोड़ा सा, ये स्लोवेनिया के भाई साहब है, ये आप ऐसा मान के चलिए कि ये सटायर वगैरह इस सब में बहुत ज्यादा इंक्लूडेड थे, कॉमेडी ज्यादा करते थे, कॉमेडी इंडिया में भी होती है. इनका नाम है मार्जिन सेरेक, ठीक है. ये कहां से बिलोंग करते हैं आपके? स्लोवेनिया से. स्लोवेनिया की एक प्लेयर जो है उसको कफिंग फिट भी पड़ा था 108 ट्रेडिशन ऑफ किसके अंदर आपका? 108 ट्रेडिशन आपका किसका हुआ? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम का. उसके अंदर एक स्लोवेनियन प्लेयर को आपका कफिंग फिट भी पड़ा था, उसका नाम आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. उनका नाम था वैसे डेलिला जाकोपोविच. उनका नाम क्या था आपका? डेलिला जाकोपोविच, ठीक है. टू विच कंट्री तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू जी को अपॉइंट किया गया है इंडिया का क्या आपका? ब्रांड एम्बेसडर. कौन से देश के लिए अपना अपॉइंट किया गया? क्वेश्चन नंबर 113 जल्दी से बताइए. क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या होगा आपका? USA. अमेरिका के लिए इनको क्या अपॉइंट किया गया आपका? भारत का ब्रांड एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू, ठीक है. ओके नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास. ओके दो लास्ट क्वेश्चन बचे हमारे पास. हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर हु साइंड अप फॉर द स्कॉटिश जायंट्स रेंजर FC फुटबॉल क्लब. जो FC फुटबॉल क्लब के अंदर एक भारतीय महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है फुटबॉल का आपका जो फुटबॉल अब की बात ना, अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि अंडर 17 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में होने वाला है. जूनियर जो आपका मेन वर्ल्ड कप है वो भी आपका मेरे ख्याल से इंडिया में होने वाला, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ बट मैंने शायद वो भी आपको कराया है, ठीक है. तो यहाँ पर इनका नाम क्या आपका? इनका नाम है नागानोम बाला देवी. इन मैडम का नाम क्या आपका? नागानोम गोम बाला देवी. इनका नाम क्या आपका? बाला देवी, ठीक है. बाला देवी जी को किसमें इंक्लूड किया गया आपका? स्कॉटिश जायंट्स रेंजर फुटबॉल क्लब के अंदर, ठीक है. FC फुटबॉल क्लब के अंदर बाला जी इसमें आ गए, ठीक है. ओके नेक्स्ट है. हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द फोरम
of the election management bodies of South Asia for the year 2020. आपका election management body of South Asia का head किसको बनाया गया है? सोचकर बताइए, राजीव महर्षि कौन है, ओम प्रकाश रावत कौन है, अशोक लवासा कौन है, कौन लोग हैं ये आपके? इनका नाम क्या आपका? सुनील अरोड़ा। इन भाई साहब का नाम क्या आपका? सुनील अरोड़ा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है सुनील अरोड़ा। Who is Mr. सुनील अरोड़ा? सुनील अरोड़ा का नाम जल्दी से कौन बताएगा मुझे? सुनील अरोड़ा कौन है? बिल्कुल लगरता का आंसर सही आ गया उधर से। बढ़िया बढ़िया, सब लोगों ने सही आंसर कर रखा है भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अच्छा, अब मुझे बताइए, शाम को 5:30 बजे जो मैं क्लास ले रहा हूं, मैं उसको ऑनलाइन ही लूंगा और मतलब YouTube पे ही करने वाला हूँ उस क्लास को मैं। अब मुझे जल्दी से ये बताइए कि स्नैप के लिए, स्लैट का जो पेपर है हमारा, स्लैट के लिए जो है आप लोगों को लास्ट के 3 महीने के करंट अफेयर रिवाइज करा दूं अच्छे से, लास्ट के 3 मंथ्स के करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज करा दिए जाए। जल्दी से येस और नो बोलिए। और या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये है कि जो 300 पेज का PDF है वो पूरा रिवाइज करा दिया जाए। Which one is a better option? Marathon class चलेगी 4-5 घंटा उसके अंदर लगेगा आपका, minimum 3 घंटा। अब मुझे फटाफट comment section में बता दो कि what you guys want? आपको वो पूरा PDF दोबारा से revision करना है या पिछले 3 महीने का MCQs करना है? पिछले 3 महीने का MCQ या फिर पूरी PDF? तीन महीने का करंट अफेयर, यस, मिनिमम 3 महीने का करंट अफेयर आज कवर अप मैं कर दूंगा, मार्च तक का भी कर देंगे, 4 महीने का कर देंगे उसके अंदर, मैराथन और क्विज। 5:30 बजे होगी क्लास बेटा, 5:30, उसके पहले उसको, अगर उसको शायद रीशेड्यूल ना कर दूं मैं 6-7 बजे के आसपास भी, क्योंकि रिविजन ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, रिविजन ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स MCQs, राइट, सबका 3 महीने का आ रहा है, 3 महीने वाला MCQ ज्यादा अच्छा रहेगा, 3 मंथ्स MCQs, ओके, 3 मंथ्स करंट अफेयर, बिल्कुल ठीक है। आई कंप्लीटली अग्री कि 3 महीने का जो करंट अफेयर है वो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट रहेगा एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर आपका मैराथन, है ना। और एक काम और करिए, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया अभी तक, अगर थोड़ा सा लास्ट टाइम पे आपको मदद चाहिए तो आप जितने भी आपको मैंने क्विज कोड भेज रखे हैं, फॉर्चुनेटली मैंने उनको डीएक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि आप खैर मैंने तुम पे एहसान नहीं किया, खुद पे एहसान किया, क्योंकि दोबारा से एक्टिवेट करने में काफी मेहनत लगती है। तो बेटा उसको एक बार सारी क्विजेस को वापस रीअटेम्प्ट कर लो, जो मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, ठीक है, इन चारों के आपके लगभग 500 करंट अफेयर बनेंगे, जिसको हम फटाफट रिवाइज कर देंगे और कोशिश करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे कि उनमें से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सवाल आ जाएं, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, विद दिस हमने फाइनलाइज कर लिया है। अभी आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट एग्जिट मारिए यूट्यूब से और जल्दी से जल्दी आप अपना काम कर लीजिए। नहीं, यूट्यूब पे ही करेंगे बेटा, वो सबको दे देते हैं थोड़ा मदद लास्ट टाइम पे, स्मिता सबको मदद मिल जाएगी, बाकी लोग भी हैं। श्योर डीवा, बिल्कुल आधे घंटे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बेटा, विल इन्फॉर्म यू प्रायर 30 मिनट्स, मतलब अभी सर अनिकेत सर से बात करके अनिकेत सर कर देंगे इसको, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से जल्दी एग्जिट मारो, यूट्यूब में अब नहीं दिखना चाहिए कोई भी, यूट्यूब से एग्जिट मार दो बेटा और फटाफट पढ़ाई शुरू कर दो, फिर वापस देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है सबको, जल्दी से जल्दी एग्जिट मारो। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आशीष गर्ग, क्विज कोड कहां पर मिलेगा? YouTube पे भी हमने, सॉरी टेलीग्राम पे भी हमने डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहां पर एक मैसेज आपको मिल जाएगा, या अभी मैं डाल देता हूं वापस दोबारा से एक बार और। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू धवल, थैंक यू स्मिता, थैंक यू संस्कृति, थैंक यू घोस्ट लॉयन, थैंक यू अगरता, थैंक यू अभिषेक, मनीषा, कृति पारेख, समायरा, अजीत चौधरी, अदिति मित्तल,
दीपक पटेल, थैंक यू एवरीवन। शाम भवी MCQs, ये शाम भवी अपनी तो नहीं है। नहीं, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, आपको ग्रुप में मिल जाएगा बेटा। वो क्विज ओपन नहीं होती? कौन से वाली नहीं हुई क्विज ओपन? बाकी सारी तो ओपन हो गई हैं। आप एक काम करो, द डीवा, आप एक काम करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक आध क्विज, वो सारी क्विज ना मैंने एक जगह पे डाल के दी हैं, वो होमवर्क वाली क्विजेज अलग हैं बेटा, और ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, वो अलग है, दोनों चीजें अलग हैं, एक ही जगह पे सारे कोड दे रखे हैं, अभी मैं वापस डाल देता हूँ वो कोड्स, मैं आपके वापस डाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है, वो 24 घंटे के बाद एक्टिवेट हो जाती है लाइव क्विज, जो होमवर्क क्विज है वो अभी भी जिंदा है।